नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। स्मार्ट सिटी देहरादून में बारिश के बाद गली मोहल्लों में चलना हुआ मुश्किल। सीवर के आधे अधूरे कामों से पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। दिन रात 24 घंटे तक खुल रहा भक्तों के लिए केदारनाथ मंदिर, अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, झमाझम बारिश के बावजूद यात्रियों की उमड़ रही भीड़। उत्तराखंड के हरिद्वार में रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। टिहरी में यात्रियों के वाहन और ट्रक की टक्कर में भी 2 की मौत। कैबिनेट में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले, नैनीताल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी गोलापार में शिफ्ट करने की तैयारी हुई पूरी। 26 हेक्टेयर में बनेगा नया हाईकोर्ट। वहीं चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 की जगह होगा 5 साल का। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का मिजाज फिलहाल बिगड़ा रहेगा। झोंकेदार हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। हमेशा शॉर्टकट सही नहीं होता, ये मुसीबत का सबब भी बन सकता है। केदारनाथ धाम यात्रा से दर्शन कर लौट रहे 4 श्रद्धालु लिंचौली से शॉर्टकट रास्ता लेकर नदी किनारे चलने लगे। आगे रास्ता बंद और अंधेरा होने के कारण वो वहीं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 4 श्रद्धालुओं को सकुशल निकालकर लिंचौली लाया गया। श्रद्धालु द्वारा एसडीआरएफ टीम का आभार भी प्रकट किया गया। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। वहीं चार धाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन भी पहाड़ी मार्गों पर लगातार नजर बनाए बैठा है, जिससे यात्री सकुशल चलते रहें। वहीं गंगोत्री धाम में हो रही वर्षा को देखते हुए गंगा पुरोहित सभा द्वारा ठंड से ठिठुर रहे यात्रियों के लिए गर्मा गर्म चाय और झंगोरे की खीर का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस पर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा पुरोहितों द्वारा ये कार्य सराहनीय किया गया है। श्रद्धालुओं को इससे काफी राहत भी मिल रही है। यहाँ पे प्रसादी का वितरण हो रहा है, इसके साथ ही प्रसादी में चाय और ये मोरधान जो है इसका वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए। जय गंगा मैया। आज गंगोत्री धाम में हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री महानुभाव माँ गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं और अत्यधिक बारिश और ठंड होने के कारण यहाँ पे मंदिर समिति एवं गंगा सभा की तरफ से उनके पैरों पर गर्म पानी डाला जा रहा है और साथ ही उनकी चाय और जलपान की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रियों को ठंड से बचाया जा सके। मंदिर समिति अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मंदिर समिति और यहाँ पे हमने भैरव बाबा के धुने पर अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, जिससे यात्री वहाँ पे आग से अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा कि आप जो हैं प्रेम पूर्वक से माँ गंगा के दर्शन करें। सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और धारा पूजा भी करवा रहे हैं और हम सभी श्रद्धालु यात्रा की मंगलमय की कामना करते हैं। जय गंगा। धामी सरकार की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें नैनीताल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी गोलापार में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो गई है। गोलापार में 26.08 हेक्टेयर में नया हाईकोर्ट बनेगा। वहीं चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। साथ ही नई चक्राता टाउनशिप बनाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसमें 40 गाँव शामिल होंगे, जिसमें पुरोड़ी नागथात से यमुना नदी तक इसका फैलाव होगा। वहीं राजस्व विभाग में भी एक बड़ा फैसला हुआ है। संग्रह अमीनों के प्रमोशन को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। प्रमोशन को लेकर नियमावली 2019 के अंतर्गत प्रमोशन होगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है। मेधावी छात्रों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए इसी वर्ष ये योजना शुरू की जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग में फील्ड और ऑफिस के लिए 37 पदों का सृजन किया गया है। आवास प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृत के लिए आउटसोर्स के माध्यम से नई नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर बड़ा फैसला हुआ, जहां बजट पास होते ही उसी माह में ही विभाग जिलों को लेआउट जारी कर देगा। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां धारचूला तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग एक बार फिर लखनपुर के पास पहाड़ी के दरकने से बंद हो गया है। एक माह के भीतर तीसरी बार पहाड़ी के दरकने से ये मार्ग बंद हो गया। पवित्र आदि कैलाश यात्रा के दर्शन कर धारचूला आ रहे सैकड़ों आदि कैलाश यात्री रास्ता बंद होने से लखनपुर में फंस गए। वहीं आदि कैलाश यात्रा के लिए धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का इंतजार करना होगा।
अब खबर उधमसिंह नगर जिले के खटीमा से है, जहां इन दिनों कीलपुरा रेंज के अंतर्गत वन माफियाओं और कीनपुरा रेंज के अंतर्गत कार्य कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत वेत की तस्करी की जा रही। आपको बता दें कि पिछले दिनों मीडिया द्वारा जंगल से वेत काट कर ला रहे लोगों का वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद आनंद फानंद में वन विभाग द्वारा उन लोगों को रोक कर वेत को उतार लिया गया, लेकिन उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। आपको बता दें कि कीलपुरा रेंज के आसपास भोली भाली जनता और महिलाओं को बहला फुसला कर रोजगार देने के नाम पर वन माफिया जंगल से उन लोगों से वेत कटवा कर गांव में ही इकट्ठा करवा रहे हैं और मोटा मुनाफा खुद कमाने के लिए गाड़ियों से वेट को उत्तराखंड से बाहर ले जाने का काम किया जा रहा है। मुझे पता चला है कि कुछ समय से जो है यहाँ से बैंक की तस्करी हो रही है कीलपुरा रेंज से, तो इसके लिए हमारा स्टाफ पूरा प्रयासरत है और इसके क्रम में हमने कल सात गट्ठर जो है उनके पकड़े भी, इसमें मुख्य रूप से महिलाएं जो हैं जंगल में जाकर उसको बैंक को काट चला रही हैं और अपने घरों में छुपा कर रख रही हैं। देखिए इस बारे में तो ये जांच का विषय है, इसमें हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम अपराधियों को पकड़े हैं और जब अपराधी हमारे पकड़ में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इसका भी खुलासा हो जाएगा कि कोई मिली भगत है या कोई इस तरीके का कोई अन्य घटना इसमें अपराध में आती है तो उसके खिलाफ नहीं होता जो भी कार्रवाई हमारी बनती है। खबर टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी से है, जहां मूसलाधार बारिश के कारण मसूरी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कैंपटी के अंतर्गत जगह जगह मलबा आने से अवरुद्ध हो गया, जिससे बाहरी पर्यटकों चारधाम यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इस संबंध में थाना कैंपटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जेसीबी बुलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटवाकर यातायात को सुचारू किया गया। खबर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी के प्रधानाचार्य हेमचंद्र कश्यप के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार ने उन्हें विदाई दी। वहीं बच्चों ने पुष्पगुच्छ और माला भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षा विभाग में उन्होंने करीब 36 साल की सेवा दी, साथ ही वर्ष 2018 में 100% बोर्ड रिजल्ट आने पर विशिष्ट पुरस्कार भी मिला। अब खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां क्षतिग्रस्त पुल का डैक्स बदलने को लेकर 5,91,000 का आंकड़ा तैयार हो गया है। फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए पुल को सुचारू किया गया है, बड़े वाहनों के लिए 2-3 महीने तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। थराली ब्लॉक के एक बड़े हिस्से और देवाल विकास खंड को जाने वाले बड़े वाहनों को 40-50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर ग्वालदम नंद केसरी से होते हुए जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर उधमसिंह नगर के गदरपुर से है, जहां गदरपुर नर्सिंग होम में एकम सनातन भारत राजनीतिक पार्टी की कमेटी के प्रमुख और उधमसिंह नगर के जिला संयोजक डॉक्टर राजीव महाजन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जम्मू के निवासी हैं, जो जम्मू में लगभग 8 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देकर सनातन भारत दल नाम दिया गया है और आध्यात्म संस्कृति इतिहास स्थानीय भाषा पर्यावरण समेत संपूर्ण विकास संबंधी पार्टी काम करेगी। मैं पिछले 35 वर्षों से धार्मिक और सामाजिक संगठन में काम कर रहा हूँ, अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से, लेकिन मैंने ये भी पाया कि मात्र धार्मिक संगठन में काम करने से ठीक है, हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो हम लोगों का लक्ष्य है इस भारत को विश्वगुरु बनाना और इस भारत को पुनः उन ऊंचाइयों पर ले जाना, सोने की चिड़िया बनाना, यह मात्र धार्मिक संगठन में रह के हम अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए और जैसा हमने देखा पिछले 10 साल तो एक हिंदूवादी पार्टी कहते हैं हमारा राज है, लेकिन उस हिंदूवादी पार्टी के राज में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों की चिंता करते हुए एडवोकेट अंकुश शर्मा जी ने, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ उन्होंने वो काम कर दिया जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए कोई संगठन नहीं कर पाया तब, जम्मू को योजनाबद्ध तरीके से हिंदू विहीन करने की जो साजिश थी रोशनी एक्ट के माध्यम से ध्वस्त किया अंकुश शर्मा जी ने, और अब जम्मू जो है कहीं से भी हिंदू भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एडवोकेट अंकुश शर्मा जी ने, जो उनकी पहले पार्टी थी एकजुट जम्मू, उसका विस्तार करते हुए इसको अखिल भारतीय स्वरूप दिया और एकम सनातन भारत दल के रूप में एक नया दल गठित किया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बादराबाद खेलड़ी में हुए नृशंस हत्या प्रकरण का पुलिस ने 36 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि राजपाल और बाल सिंह के बीच आधा बीघा जमीन कब्जाने और खेत में जाने के रास्ते को बंद करने को लेकर अक्सर दोनों भाइयों के बीच विवाद चलता रहता था, जिस कारण बाल सिंह ने अपने भाई राजपाल को ठिकाने लगाने का मन बनाकर 29 मई को दोपहर में मौका पाकर खेत में अकेले काम करे राजपाल को पाटल से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया और पाटल को झाड़ियों में छुपाकर मौके से फरार हो गया। खेलड़ी निवासी मृतक राजपाल सिंह की सनसनीखेज हत्या के प्रयुक्त में पाटल और हत्या के दौरान हत्या अभियुक्त द्वारा पहनी गई खून से सनी शर्ट को बरामद करते हुए पुलिस टीम ने मृतक के भाई बाल सिंह को दबोचकर आक्रोशित जनता के गुस्से को काबू पाने में गिरफ्तार कर लिया है।
अब खबर भगवानपुर से है, जहां प्रेस क्लब भगवानपुर द्वारा होटल रॉयल इन में मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। साथ ही स्थानीय विधायक ममता राकेश और पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जिसान, भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति आदि पहुँचे। भगवानपुर प्रेस क्लब बहुत सक्रिय है और आज पत्रकारिता दिवस पर यहाँ अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं सभी को शुभकामना देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो पत्रकारिता है हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और पत्रकारों की लेखनी के माध्यम से वो समाज और शासन प्रशासन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और समस्याओं को उजागर भी करते हैं, उसकी समाधान तक भी पहुँचाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी पत्रकार मित्रों को इस अवसर पर कि वो पूरी ताकत के साथ अपनी लेखनी की ताकत भी बना करके रखें और सृजन की दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं। खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां शराब के नशे में आपसी विवाद के चलते अपने गांव के ही एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना बलुआकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना बलुआकोट पुलिस को कपिल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कपिल सिंह को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए धारचूला भेज दिया है। बलुआकोट थाना क्षेत्र में आज सुबह वहां के गांव भैया पोड़ी की एक सुबह सूचना आई थी, जिसमें किसी ग्रामीण के द्वारा अपने ही एक गांव के व्यक्ति की जो है पत्थर से सर कुचल कर हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर पुलिस गई और मौके से ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतक है उसका पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम जो है। खबर पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से है, जहां खेती गांव निवासी आईटीबीपी के जवान संदीप भंडारी का चार दिन पहले सिक्किम चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने से निधन हो गया था। इसके बाद संदीप भंडारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर खेती गांव पहुंचा। जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जवान की अंत्येष्टि सेराघाट में स्थित सरयू नदी तट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ की गई। मृतक के घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जवान के निधन पर गंगोलीहाट क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पुलिस द्वारा अतिक्रमण और सत्यापन को लेकर बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। एसपी सिटी हरवंत सिंह और सीओ भूपेंद्र धोनी की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने कोतवाली हल्द्वानी से पटेल चौक लाइन नंबर 1 सहित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। एसपी सिटी ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों को अतिक्रमण के प्रति सचेत करना है, ताकि लोग अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। वहीं सत्यापन के प्रति जागरूक रहें, अपने किराएदारों और कर्मचारियों का सत्यापन कराना सुरक्षा की दृष्टि से आपके हित में है। वहीं अपराध को करने में भी उनका अहम सहयोग होता है। और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान हल्द्वानी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के तहत आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया जो मेन शहर के अंदर होते हुए और लाइन नंबर 1 से गांधीनगर होते हुए निकाला गया है। इसमें सबको ये संदेश दिया गया है कि सब कोई भी व्यक्ति अवैध अतिक्रमण ना करे और जिन लोगों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है वो अपने किराएदारों का सत्यापन करा दें। नहीं, बिल्कुल लोग पुलिस को देख के ही जागरूक होते हैं और मेरा ये जो भी व्यापारी हैं, फड़ वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको ये संदेश है कि जैसे जो पुलिस ने उनको बताया है कि कोई भी व्यक्ति मेन रोड पर ठेली फड़ रेडी नहीं लगाएगा और शहर के अंदर भी जो लोग चल रहे हैं वो मूवमेंट में रहेंगे, कहीं पर भी कोई अपनी ठेली को खड़े होकर कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों ने जो अपने आगे बढ़ा रखे हैं, फड़ आगे बढ़ा रखे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन से जुड़े तमाम पूर्व सैनिकों ने डोईवाला तहसील में अपनी वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से चल रहे धरना प्रदर्शन को आज 100 दिन पूरा होने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि लंबे समय से हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्व सैनिकों की उपेक्षा अब और नहीं सहेंगी। एसडीएम डोईवाला को ज्ञापन देते हुए पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब भी केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आगे चलकर बड़ा आंदोलन होगा। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु का जय हिंद करता हूँ। हम कभी सैनिक कभी नाराज नहीं होते, किसी भी संस्था पर नाराज नहीं होते। हम एक सांस बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं सरकार से, वही हमारी मांग है और वो मांग चलती आ रही है। जो विसंगतियाँ हमारी ये चलती आ रही हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के रक्षा मंत्री से
गुजारिश कर रहे हैं, बार बार करुणामय ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं कि महोदय हमारी जो मांगे हैं, एक सैनिक देश को बचाने की मांगे हैं, देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, देश के साथ सैनिकों ने जो आज तक आहुतियाँ दी है उसमें जो है इन पूर्व सैनिकों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी जो विसंगतियाँ हैं ये आज से चल के नहीं आई, 71 वार से चल के आ रही है, इन विसंगतियों को दूर किया जाए, फैक्टर को जो है समानता लाई जाए, मिलिट्री सर्विस पे एकल की जाए, वीर नारी वीरांगनाओं को बराबर हक दिया जाए, हक की लड़ाई हक हकूक की लड़ाई है। हम अपने इन विसंगतियों के लिए सरकार से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहते हैं कि जो ORP 2 में बहुत बड़ी विसंगति कर दी गई, वैसे विसंगति तो आपकी 1971 से चल रही है, तब से चलते चलते सैनिक बेचारे सब चुपचाप सहते जा रहे थे, उसका जब इस ORP 2 में इतना बड़ा विसंगति हो गया है कि सबको रास्ते पर आना पड़ा है। हम तो सब मंत्री प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि सैनिकों की इन प्रॉब्लमों को सुनी जाए, क्योंकि इसमें जो है MSP की एक सबसे बड़ी विसंगति है। MSP दी जाती है मिलिट्री हार्डशिप पे, हार्डशिप का तात्पर्य यह है कि उनकी जो है लाइफ जो है हार्डशिप में रहती है, वह चाहे अफसर हो, JC हो, OR हो, सभी बेचारे हार्डशिप पे रहते हैं। और वास्तव में अगर हम देखा जाए तो OR जो है एक सिपाही जो है सबसे आगे मोर्चे पर रहता है और रात दिन ड्यूटी देता है। अभी तक की खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV, तब तक ले नमस्कार।